रोबोट चोर आलू रोटी गोभी की सब्जी। सर ये रहा आपका बिल। अरे बाप रे, मैं तो बटवा घर पर ही भूल आया, अब मैं क्या करूं? टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चलिए बर्तन साफ कीजिए और होटल की साफ सफाई भी। अरे मिंकू, काम करना तो हमारे बस की बात नहीं है और घर वाले बिना पैसे दिए हमें घर में नहीं आने देंगे, अब हम क्या करें? अरे मिंकू, क्यों ना हम चोरी करें, इसमें ज्यादा मेहनत की भी जरूरत नहीं है। हाँ मिंकू, तेरा आइडिया तो सुपर है, हम आज ही चोरी करने चलते हैं। अरे टिंकू वो देख, हम आज उस घर में चोरी करते हैं। लगता है इस घर का मालिक बहुत कंजूस है, सारी लाइट्स ऑफ कर दी है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। रुक, मैं अभी लाइट जलाता हूँ। अरे पागल, हम यहाँ दावत में नहीं आए जो तू लाइट्स ऑन कर रहा है, हम यहाँ चोरी करने आए हैं। हाँ यार, मैं तो भूल ही गया था, चल अच्छा हुआ तूने याद दिला दिया। अरे वाह, क्या खुशबू है, लगता है खीर बनी है। अरे मिंकू, हम यहाँ खीर खाने नहीं आए, चोरी करने आए हैं, चोरी करने। देख टिंकू, जब तक मैं अपनी पेट पूजा ना कर लूं, मुझे कोई काम सूझता नहीं है। वैसे ये खीर बहुत ही स्वादिष्ट है, तू भी थोड़ी चख ले यार। ठीक है, तू कहता है तो थोड़ी चख लेता हूँ। अरे रुको, इतना क्यों पीट रहे हो, थोड़ी सी खीर ही तो खाई है। अरे ओ कंजूस मोटी, इस बार खीर में थोड़े काजू और बादाम ज्यादा डाल, समझी ना? तेरी ये मजाल कि तू मुझे मोटी कह रहा है? अरे पहले भाग यहाँ से। अगले दिन दोनों रास्ते से जा रहे थे कि उनकी नजर मोहित के ढाबे पर पड़ती है। वो देख ढाबा, चल चलकर कुछ खाते हैं, बहुत भूख लगी है यार। कहिए क्या लेकर आऊं? अरे ये रोबोट बात कर रहा है यार। हाँ, ये रोबोट ग्राहकों को खाना परोसता है, उनसे बातें करता है और वक्त आने पर उनकी धुलाई भी करता है। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे सर, जो ग्राहक मुफ्त में खाना खाने यहाँ आते हैं और बिना पैसे दिए चले जाते हैं, मेरा रोबोट उनकी अच्छे से धुलाई करता है। अच्छा ठीक है ठीक है, जो तुम्हारे पास अच्छा है वो लेकर आओ, बहुत भूख लगी है। अरे टिंकू, ये आलू रोटी और गोभी की सब्जी तो बड़ी ही कमाल की है, मैं तो खा खा कर थक गया हूँ। हाँ मिंकू, खा खा कर मेरा पेट तो भर गया पर जी नहीं भरा। देख मिंकू, आज बिल मैं भरूंगा। अरे नहीं नहीं, हर बार बिल तू ही भरता है, आज मैं बिल भरूंगा। देख मिंकू, मेरा मूड खराब मत कर, आज बिल मैं भरूंगा। मैं भी वही कह रहा हूँ, आज बिल मैं भरूंगा, मेरा मूड खराब मत कर।
अगले दिन, अरे टिंकू, आलू रोटी और गोभी की सब्जी खाने का बहुत मन कर रहा है। कुछ सोच कि कैसे हम उस रोबोट से बचकर रोटी और सब्जी खा सकते हैं। अच्छा, इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। अरे क्या है क्या है, जल्दी बोल। कुछ देर बाद टिंकू अपना भैंस बदल कर ढाबे में जाता है। आइए सर, आज हमारे होटल का वार्षिकोत्सव है। इस खुशी में 20 रुपए में आलू रोटी और गोभी की सब्जी अनलिमिटेड दे रहा हूँ। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। जल्दी से मेरे लिए आलू रोटी और गोभी की सब्जी लेकर आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे भाई, जल्दी से रोटी ले आओ। और रोटियां कहां से ले आओ सर, सारी रोटियां और सब्जी खत्म हो गई। The next day. अरे बाप रे, ये बकासुर फिर से आ रहा है। आखिरकार ये अकेला इतनी सारी रोटियां और सब्जी कैसे खत्म कर रहा है? जरूर दाल में कुछ काला है। टिंकू रोटियां खा रहा था, रोबोट उसके पास खड़ा था। अरे वो रोबोट, जरा इधर तो आना। अरे डिस्टर्ब मत कर, दिखता नहीं खा रहा हूँ। ये सुनकर मोहित चौंक जाता है तो टिंकू घबरा कर, अरे ओ, मुझे रोटियां परोस रहा है और तुम उसे बुला रहे हो। मोहित को टिंकू पर शक होता है। अगले दिन जब टिंकू रोटी खाने आता है, अरे सर आइए आइए, आज हमारे ऑफर का आखिरी दिन है और मैंने आज स्पेशल आलू रोटी और गोभी की सब्जी बनाई है। आई एम श्योर ये आपको बहुत पसंद आएगी। अरे वाह, सच में, जल्दी से ले आओ। अरे मिंकू, लगता है आज बड़ा ही मजा आने वाला है। सर ये लीजिए, गर्मा गर्म रोटी और सब्जी। अरे मैं तो पानी लाना भूल गया, रुके मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। फिर क्या था, एकदम से उन दोनों को मिर्ची लग जाती है। अरे बाप रे मिर्ची, अरे सर, आपको मेरी रोटियां इतनी पसंद आई कि आपकी आंखों से खुशी के आंसू निकल रहे हैं। वैसे देखिए ना, आपके आंसू देखकर मेरे रोबोट के आंखों से भी आंसू आ रहे हैं। अरे नालायक, मेरा मुंह जल रहा है, जल्दी से पानी ला, नहीं तो अभी मेरे मुंह से पानी निकल रहा है, बाद में पता नहीं कहां कहां से निकलेगा। अरे बाप रे, पानी पानी।